पुलिस की लठमार छवि के बीच ये तस्वीर सुकून देने वाली है। लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी एक गर्भवती महिला की मदद को सामने आए। पुलिस ने दर्द से परेशान महिला को अस्पताल पहुंचाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की ये तस्वीर भी पुलिस पर भरोसा जगाने वाली है। 24 परगना से डंडा बरसाने वाली पुलिस का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन इस तस्वीर में पुलिस परेशान बुजुर्ग की मदद करती नजर आ रही। लखीमपुर खीरी जिले की महिला एसपी पूनम का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। एसपी पूनम किराए की दुकान के सामने चूना डालकर सर्किल बनाती नजर आ रही है। ये सर्किल इसलिए है ताकि ग्राहक एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। फुटपाथ पर जिंदगी काटने वालों के लिए दिल्ली पुलिस के ये जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। पूरे देश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद हो चुका है, लिहाजा ऐसे लोगों के सामने रोटी का संकट है। दिल्ली पुलिस ने खाना खिलाकर मुश्किल वक्त में इनकी मदद की। हमने देखा कि हमने ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, ना कोई हमारा पर्पज है, क्योंकि हम अनाउंस कर देंगे खाना मिल रहा है तो जो सुरक्षा चक्कर है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो मिशन हमें दिया है, हम जिसका पालन करें उसका टूटने का हमें डर है। तो हम सरप्राइजिंगली जाते हैं और लिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से काम करते हैं, गैदरिंग भी मिनिमम रहे और काम भी हो जाए। अब सूरत के महीदपुरा की इन तस्वीरों को देख लीजिए। पुलिस को लेकर मन में बैठी तमाम नकारात्मक छवियां मिट जाएंगी। यहाँ पुलिस गरीबों के लिए अन्नदाता बनकर गई है। गुरुग्राम का ये परिवार खाकी वर्दी वालों की मदद ताउम्र नहीं भूल पाएगा। ये छात्रा लॉकडाउन में ग्रेटर नोएडा के एक पीजी में फंस गई थी। 24 घंटे से खाना नहीं मिला था। छात्रा ने हेल्पलाइन पर फोन किया तो ग्रेटर नोएडा पुलिस ने छात्रा को गुरुग्राम में उनके परिजनों तक पहुँचा दिया। बिहार के इन मजदूरों के लिए यूपी पुलिस के जवान किसी भगवान से कम नहीं। आज तक ब्यूरो।